हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिंच ऑफ हेल्थ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी वेट लॉस की रेसिपी। आज हम बनाएंगे केनुआ की खिचड़ी और उसके साथ बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सा सैलेड जो आपको वेट लॉस करने में बहुत ही मदद करेगा और इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो है करीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे केनवा लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है मूंग दाल ले रही हूँ, जो पीली वाली मूंग दाल होती है जो ट्रेडिशनली खिचड़ी हम बनाते हैं उसमें जो इस्तेमाल की जाती है। अब इन दोनों को हम लोग जो है अच्छे से वॉश करके धोएंगे और दोनों को आधे घंटे के लिए हम लोग इसको सोक करके रखेंगे। केनवा जो है वो बहुत ही सुपर फूड है, इसमें हर तरह के विटामिन और पोटेशियम मैग्नीशियम होता है। तो चलिए खिचड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने आधे घंटे के लिए ऑलरेडी सोक कर लिया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ पैन में कोकोनट ऑयल, तो ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप देसी घी में बना रहे हैं तो और भी अच्छा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तड़के के लिए थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा करी पत्ता, और यहाँ पे हम कोई अलग से स्पेशल मसाला नहीं ऐड करेंगे। बट ये जो खिचड़ी है इतनी यमी है कि आप अगर एक बार खाओगे तो आई स्वेयर आप बार बार इसे बनाना पसंद करोगे और आपको काफ़ी समय तक भूख भी नहीं लगेगी। एक ये फुल डिनर या लंच में आप इसे ले सकते हो। थोड़ा सा रेड चिली मैंने इसमें ऐड किया है और जो है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। सारे आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें अनियन ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। जैसे ही अनियन अच्छे से सॉटे हो जाते हैं हम ऐड करेंगे हमारी सोखी हुई मूंग दाल हाफ कप। केनवे की क्वांटिटी कि हाफ आपकी मूंग दाल होनी चाहिए क्योंकि मूंग दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले ऑलमोस्ट हम मोर देन 70% हम पहले मूंग दाल को पकाएंगे। तो अच्छे से उबाल आने देते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ जो है टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा नमक, सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक जो है ये अच्छे से उबल ना जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो रही है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके जो हमारा केनवा सोक किया हुआ है उसे भी ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केनवा रिच इन फाइबर होता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करता है। और बिकॉज़ ये जो है ग्लूटेन फ्री है, आप इसको अगर आप डायबिटिक पर्सन हो तो आप इसको ज़रूर बना के खाएं, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये मेंटेन करने के लिए। तो अब मैंने इसमें जो है दोनों चीज़ें मिला दी है और इसको करीबन और हम लोग 10 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप इसको कुकर में बना रहे हो तो एक साथ उबाल लीजिए, एक सीटी में आपकी खिचड़ी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा जो है खिचड़ी एकदम रेडी है और 2 से 3 मिनट में इसको पकाऊंगी एकदम स्लो फ्लेम पर। ये देखिए बहुत ही गाढ़ी हो गई है और इतनी टेस्टी लगती है, अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद ही इसका स्वाद समझ में आ जाएगा। तो खिचड़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम चलते हैं जो है ब्रोकली वेजिटेबल फ्राई की तरफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे वाटर और इसमें मैं जो है कुछ वेजिटेबल्स को स्टीम करके ले लेती हूँ। तो ये ब्रोकली अभी सीजन में अवेलेबल होती है, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वही आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे बीन्स ग्रीन वाले। थोड़ा सा कैरेट और इन सभी को थोड़े से ही पानी में हम लोग स्टीम करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। हमें ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा हमें स्टीम करना है इसको। तो ये देखिए बहुत ही कम पानी में हम इसको स्टीम करेंगे जिससे इसका जो अंदर का बेनिफिट्स है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये देखिए ब्रोकली भी एकदम ग्रीनिश हो गई है। तो ये हो गया है अभी। अब हम चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में।
ब्रोकली भी एक सुपर फूड है और ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करता है। प्लस ये आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अगेन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घी में बनाना चाहते हो या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जो है बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा जिंजर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। और इसको अच्छे से ऑयल में सॉटे करने के बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनियन ले रही हूँ, इसको थोड़ा हमने फैंसी टाइप में काटा हुआ है। अगर आप ऐसे ही काटना चाहते हो रफली आप काट सकते हो बिल्कुल। वेजिटेबल्स आप आपके मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ब्रोकली नहीं खाना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, सीजन में ही अवेलेबल थी रेड कैबेज, थोड़ी सी जो है रेड कैप्सिकम। आप ग्रीन कैप्सिकम और ग्रीन कैबेज भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सैलेड बन के तैयार होता है स्टर फ्राई। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा हम इसको सॉटे करेंगे। और अब मैं इसमें हमारी जो वेजीज थी सेमी बॉइल्ड, अब हम उसे भी इसको इस्तेमाल ऐड कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने ना खिचड़ी में कोई भी मसाला डाला है ना हम इसमें कोई मसाला डालने वाले हैं। और ये जो रेसिपी है खिचड़ी के कॉम्बिनेशन के साथ, ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही मल्टीपल वेट लॉस की रेसिपीज़ मैं आगे भी चैनल पर लाऊँगी, जिसे आप देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर और जो है सॉल्ट एंड थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो हमारा स्टर फ्राई वेजिटेबल्स है वो बिल्कुल बनके तैयार है। इसका जो कॉम्बिनेशन है खिचड़ी के साथ बहुत ही सुपर्ब लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कोई कमेंट्स है जिसको आप मुझे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून लेमन जूस थोड़ा सा टैंगीनेस के लिए। और इसमें तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हमने ऑलरेडी मिलाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे रोस्ट करके जो है वाइट तिल। ये हमारा अच्छे से वाइट तिल जो है रोस्ट हो गया है। वाइट तिल आपको जो है एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, प्लस हेयर ग्रोथ को अच्छा करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है और ये इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी करता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इसे भी ऊपर से हम लोग थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। मैं आपको मिलती हूँ अगली रेसिपी में कुछ नई और अलग सी वेट लॉस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।